गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज हम लोग ज्योति कोची पहाड़ का ट्रैकिंग करने वाले हैं। तो हम लोगों ने अभी ज्ञान स्कूल के पास से ऊपर की ओर चढ़ना स्टार्ट किया है। चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं। छोटा घर है, जाते रहो। ऊपर से व्यू काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ से आपको ज्योति कोची का पूरा व्यू मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ से देखने में, ये ज्योति कोची का पूरा एरिया। अभी थोड़ा सा डस्ट है, ड्राई सीजन चल रहा है, बारिश नहीं है, तो इस वजह से वेदर थोड़ा सा डस्टी लग रहा है। क्लियर व्यू नहीं है बट समझ में तो आ रहा है। ये ट्रैक का सबसे खूबसूरत एरिया है, यहाँ से जो साइड व्यू मिलता है नीचे से, जाओ आगे जाओ, ऑसम है। यहाँ से मैं आपको ज्योति कोची पार्क का सबसे खूबसूरत व्यू पॉइंट दिखाता हूँ। यहाँ से लाल गणेश फिर बर्षापारा क्रिकेट स्टेडियम का बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलता है, ये देखिए। बट ड्राई सीजन और धूल मिट्टी के वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो क्लियर नहीं है, विजिबिलिटी कम है थोड़ा। बट अदर टाइम अगर आते हैं आप यहाँ ज़रूर आइए, यहाँ से आपको बहुत खूबसूरत व्यू दिखेगा एंड फ्रेश एयर का भी आप यहाँ से मज़ा ले सकते हैं। ड्राई सीज़न है, धूल मिट्टी भरा है, बट यहाँ फ्रेश है, यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है नीचे से काफ़ी बेटर है। और ये मेरा फेवरेट ट्रैक है, मैं हमेशा यहाँ आता रहता हूँ। जाओ जाओ। और ये जो ट्रैक है बिगिनिंग से लेकर एंड तक अप्रोक्सीमेट 4 किलोमीटर, वो गिर गई थी, लेकिन काफ़ी ब्रेव है। सुबह अकेले मतलब मेरे साथ ट्रैक में आने के लिए काफ़ी जिद कर रही थी, तो मैं लेके आ गया इसे ट्रैक में। लाल गणेश में कहाँ जाना है? लाल गणेश साइड में बहुत लंबा पड़ेगा रास्ता। नहीं पड़ेगा, मैं बोला ना नहीं पड़ेगा रास्ता। पड़ेगा छोड़ो, नहीं पड़ेगा। अरे ये वाला रूट बहुत लंबा है, हम लोग चलते हैं ये वाले रूट में। हा? ये हमारे घर के सामने निकलेगा। नहीं। हाँ इस, नहीं। अरे जल्दी पहुँचाएंगे, ये भी छोटा नहीं है, बहुत लंबा रूट है ये भी। हा? ये भी बहुत लंबा रूट है ये वाला। हाँ तो चलो, नहीं वाला भी लंबा है। अरे ये बहुत दूर है, मत जाओ। अरे इसमें नहीं, इसमें चलो, उसमें बहुत दूर है, बहुत लंबा रूट पड़ेगा। अरे समझती नहीं है। गिर जा रही हूँ। At last पापा की बड़ी मान गई, उसे एक्चुअली मुझे उठा के लाना पड़ा, मान नहीं रही थी। जाते रहो। उसी रूट में जाना था बट उस रूट में जाने से थोड़ा लंबा पड़ता, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो ट्रैक है करीबन 3 से 4 किलोमीटर का ट्रैक है। तो अगर हम लाल गणेश साइड से आते तो हमें 2.5-3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा करना पड़ता, लेकिन वो छोटी अभी इतना लंबा ट्रैक नहीं कर सकती है। ये हमारे घर के पास जाएगा, ये पता नहीं मैं गया नहीं कभी। ज्योति कोची पहाड़ का एरिया अपने आप में काफ़ी बड़ा एरिया है, यहाँ कई फैमिलीज रहते हैं, बोल सकते हैं अपने आप में बहुत बड़ा एक गांव है। तो यहाँ पे कई सारे रास्ते निकलते हैं, आप किसी भी रास्ते में चले जाइए, आप कहीं ना कहीं ज़रूर निकलेंगे। आ रहा हूँ। क्या हो गया? दिल्ली में मिला बंदर जिसका नाम था सुंदर, सुंदर ने खाया चुकंदर। दिल्ली गई दिल्ली, दिल्ली में मिला भालू जिसका नाम था कालू, कालू ने खाया आलू, बिल्ली का नाम था शालू। आपको दिख ही रहा होगा दुई आज कितनी खुश है। तो आज सैटरडे है, स्कूल भी उसका बंद है, तो उसको मेरे साथ ट्रैक में जाना बहुत पसंद है। मैं अक्सर गुवाहाटी में कई सारे ट्रैक्स हैं, मैं वहाँ जाता हूँ और इवन नए नए ट्रैक्स का पता भी करता रहता हूँ। तो ये जो ट्रैक है ज्योति कोची वाला, ये मेरे घर के सामने ही है, तो मैं मॉर्निंग में आराम से यहाँ निकल जाता हूँ ट्रैक के लिए। ऐसे इसके अलावा गुवाहाटी में और भी खूबसूरत ट्रैक है, मैं आने वाली वीडियोज़ में आपको उन ट्रैक्स का भी डिटेल्स दूंगा और आपको उन ट्रैक्स में ले चलूँगा वर्चुअली, आप देख भी सकते हैं वो ट्रैक कितना खूबसूरत और थ्रिलिंग है। हेलो, बाय।
बाय। जाओ, आप जाओगे? हाँ, यहाँ आए थे ना। बेबीलोन अपार्टमेंट का व्यू, ये ज्योति कुछ लोकरा रोड में पड़ता है। अभी हम धीरे धीरे नीचे उतरेंगे। हम लोग नीचे आ गए ये लोकरा रोड में। अभी यहाँ से सीधा हम अपने घर चल रहे हैं। हेलो 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 हम अपने घर पहुंच चुके हैं। अभी मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ट्रैक कैसा लगा? अच्छा लगा। जाएगी फिर से ट्रैक में? हाँ। कब जाएगी? अभी। अभी जाएगी? हाँ। थकी नहीं है इतना लंबा ट्रैक करके? नहीं। वाह, इतना एनर्जी है तुम्हारे अंदर? हाँ। वाह वाह, चलो फिर हम लोग नेक्स्ट ट्रैक में चलेंगे। चलो सबको बाय बोल दो। बाय।